प्रयागराज में जाएंगे, प्रयागराज एक बार फिर से नए स्वरूप में सज रहा है। 2019 का भव्य और दिव्य कुंभ तो आपने देखा होगा और 2025 का महाकुंभ उससे भी विराट होगा, उससे भी भव्य और दिव्य होगा। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए संगम तट से लेकर प्रयागराज शहर तक को सजाने सवारने का काम दिन रात जारी है। महाकुंभ से पहले संगम क्षेत्र में खास तकनीक के जरिए गंगा का प्रवाह बदलने की कोशिश हो रही है। डीजिंग के जरिए प्रवाह क्षेत्र में आए बालू के टीलों को हटाने का काम जारी, जिससे श्रद्धालुओं को संगम पर पवित्र धारा के विराट दर्शन हो सके, लोग आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा के ऊपर पंटून पुल बनाने का काम भी तेजी से जारी। अगले साल प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। करीब 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ मेला लगेगा, जबकि 1800 हेक्टेयर में पार्किंग का इंतजाम होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। ऐसे में श्रद्धालुओं के आने, ठहरने, खाने पीने और स्नान के इंतजाम में शासन प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं की ट्रेन से पहुंचने की उम्मीद है। रेलवे का प्रयागराज मंडल स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास तैयारी की गई। योगी सरकार के आग्रह पर 495 करोड़ की लागत से तैयार डबल ट्रैक वाले रेल पुल पर दिसंबर से रेल दौड़ाने की तैयारी। इससे वाराणसी और प्रयागराज के बीच आने जाने वाले रेल यात्रियों का सफर आसान होगा। सड़क के रास्ते सबसे अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में सड़कों के सौंदर्यीकरण का काम भी तूफानी रफ्तार से जारी। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 14 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसका लोगो इसी महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया, जिस पर लिखा है सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब दुनिया भर के श्रद्धालु आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचेंगे तो उन्हें प्रयागराज में आस्था और आधुनिकता दोनों का संगम दिखेगा, ऐसा भव्य दिव्य संगम जो पहले कभी नहीं दिखा।